नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनवेश। आप देख रहे हैं पीएचपी प्रोजेक्ट और आइए स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने अपना रो टू जो था उसको यहाँ तक कंप्लीट किया था। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ उसमें हुई थी। इसके नीचे अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये जो हमारा रो टू है ना, ये पूरा कंप्लीट हो गया था। और ये रो टू कंप्लीट होने के बाद मैं ब्लैंक स्पेस में रिमूव करता हूँ और इसका जो प्रिव्यू था वो हमें कुछ इस तरह से दिख रहा था, है ना। ये डैशबोर्ड जो है ये हमारा लगभग लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका था। इसको स्टेलाइज भी हम कर चुके थे, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। अच्छा, अभी हमें क्या करना है इस वीडियो में, इस वीडियो में ये करना है कि डायरेक्ट अभी क्या हो रहा है कि जब भी कोई आ रहा है बंदा और वो करता क्या है कि वो लिखता है कि लोकल होस्ट और ईकॉम फोल्डर के अंदर जाता है और एडमिन एरिया के अंदर जाता है, क्लिक करता है डायरेक्ट, देखिए डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। डैशबोर्ड पर क्लिक किया, डैशबोर्ड आ गया। तो ये सारी चीज़ें तो हम कर देंगे, डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली आ जाए वो सब तो अलग की बात होगी, लेकिन देखिए डायरेक्टली एक्सेस हो रहा है। हमें क्या करना है कि जब भी कोई एडमिन एरिया पर आए तो यहाँ पर ये डैशबोर्ड ना करके लॉगिन का पेज आए और वहाँ से यूज़र एडमिन जो है हमारा वो लॉगिन करे। लॉगिन करने के बाद ये डैशबोर्ड एक्सेसिबल हो उसके लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि आपके जाने के बाद मैंने क्या किया है कि दो फाइल यहाँ पे बना रखी हैं। वो दो फाइल कौन सी है, पहली है login.php, ध्यान से सुनिएगा, और दूसरी है login.css। होगा क्या, ये है हम अपने ecom मेन फोल्डर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये फाइल एक बनाई है, एडमिन एरिया में गए, ये है login.php और css के अंदर login.css, ये दो फाइल बनाई, ठीक है। अब आइए इसको ओपन करके इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ। अब अगर हम, ये है हमारा ईकॉम का फोल्डर, देखिएगा इस कॉर्नर पे, यहाँ पे हम गए एडमिन एरिया में और यहाँ पे एक तरफ हम ओपन कर लेते हैं login.css और दूसरी तरफ हम यहीं पे ओपन कर लेते हैं login.php, ठीक है ना। दोनों फाइल ओपन होगी, तो ये फाइल हमने अभी आपके जाने के बाद क्रिएट की है। इसका HTML मैंने लिखा है क्योंकि आपका समय बचे और हमारा भी समय बचे, इस वजह से। यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉक टाइप इसका HTML दिया, HTML का टैग यहाँ से स्टार्ट किया, हेड टैग इसका टाइटल मैंने दिया एडमिन लॉगिन। यहाँ पे मैंने लिंक किया है CDN को बूटस्ट्रैप के, ठीक है, जिससे कि बूटस्ट्रैप इसमें इंक्लूड हो जाए इस फाइल में। और इसके लिए जो मैंने एक्सटर्नल CSS लिख रखी है ना लॉगिन के लिए, वो मैंने यहाँ पे लिंक कर रखी है। वो कहाँ पे है, CSS में, किस नाम से है, login.css, जो कि ये फाइल है, ठीक है। अब इसमें भी समझते हैं कि क्या क्या, ये तो सॉरी ये है login.css, ठीक है। ये है हमारा लॉगिन पेज के लिए जो मैंने CSS लिख रखा है वो ये है, ये है हमारा login.css, यहाँ पे देखिएगा login.css, और ये है हमारा login.php, ओके। तो यहाँ से हुआ, मैंने ये फाइल CSS की फाइल यहाँ पे इंक्लूड कर ली है। बॉडी शुरू ही यहाँ से कंटेनर लिया, फॉर्म लॉगिन लिया, फॉर्म शुरू किया, इसका मेथड पोस्ट दिया, H2 में एक एडमिन लॉगिन लिख दिया जिससे कि समझ में आए कि क्या चीज़ें हो रही हैं, किसका लॉगिन का पैनल है। इनपुट टैग लिए यहाँ पे, इनपुट टैग में उसका कंट्रोलर दिया, फॉर्म कंट्रोल का क्लास लगाया, नेम दिया, एडमिन ईमेल का एक प्लेस होल्डर वहाँ पे दे दिया ईमेल एड्रेस का, और इस फील्ड को कर दिया रिक्वायर्ड। फिर से यहाँ से एक इनपुट फील्ड ली जो कि पासवर्ड के लिए है, इसको भी क्लास फॉर्म कंट्रोल की लगा दी, इसको मैंने नेम दे दिया एडमिन पासवर्ड, प्लेस होल्डर यहाँ पे मैंने दे दिया पासवर्ड, और इसको भी कर दिया रिक्वायर्ड। यहाँ पे एक बटन ली, बटन को प्राइमरी बनाया और बटन का एक ब्लॉक क्रिएट किया, उसके साथ ही टाइप उसको दे दिया सबमिट और नेम दे दिया एडमिन लॉगिन, और यहाँ पे एक लिख दिया बटन में लॉगिन, ठीक है। इसके नीचे एक फॉरगेट पासवर्ड के लिए कर दिया, फॉरगेट पासवर्ड में क्या है कि फॉरगेट पासवर्ड यहाँ पे एक लिंक बनाई है जो कि जाती है फॉरगेट पासवर्ड डॉट पीएचपी को पर ले करके, एडमिन को यदि वो अपना पासवर्ड भूलता है तो वो क्लिक करेगा लॉस्ट योर पासवर्ड, ठीक है, इस पर वो क्लिक करेगा तो जाएगा फॉरगेट पासवर्ड डॉट पीएचपी पर, ठीक है। यहाँ से फॉर्म ये पूरा क्लोज हो गया, डिप पूरा कंटेनर का क्लोज हो गया, बॉडी क्लोज हुई और HTML क्लोज हुआ, इसका इतना काम खत्म हो गया, ठीक है। ये पूरी फाइल है, एक बार फिर से आप पूरा देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा माइनस भी कर देता हूँ जिससे आपको सही दिखे। आप इसको पूरी तरीके से देख करके आसानी से धीरे धीरे कर करके इसको नोट कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि इस फाइल को आपको ज़रूरत है या ये सारी फाइल सोर्स कोड आपको चाहिए होगा तो सिंपल सा आप एक softmatic.in पर जा करके, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, यहाँ से हमारा एक छोटा सा सब्सक्राइब का कॉलम है, यहाँ पे अगर आप जाएंगे और अगर सब्सक्रिप्शन करेंगे तो मात्र 199 रुपये डोनेट कर करके आपको हम सपोर्ट और ये पूरी फाइल दोनों देंगे। यहाँ से क्लिक
मेंबरशिप पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे चेकआउट पर जा करके अपना अकाउंट बना लीजिए, पूरी डिटेल डाल दीजिए, 199 चाहे आप राजोर पे से या पेपाल से पे करके यहाँ पे अपना अकाउंट नेम पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए और इसी पासवर्ड के जरिए यहाँ से लॉगिन कर लीजिए यूट्यूब व्यूअर पे। ठीक है, तो ये तो हो गई ये सारी बातें। अच्छा, तो ये हुआ आपका लॉगिन का पेज। अच्छा, अब हम चलते हैं लॉगिन डॉट सी एस एस पे। इसके लिए जो सी एस एस बनाई है उसके लिए मैंने पूरी बॉडी के लिए ये लिख दिया कि पैडिंग आप टॉप से 10% हो जाए और बैकग्राउंड कलर इसका ये हो जाए। फॉर्म लॉगिन, ये जो मैंने क्लास बना रखी है फॉर्म लॉगिन की, कहाँ पे बना रखी है? लॉगिन डॉट पी एच पी वाले पेज में। कहाँ पे है? यहाँ पे है, ये है क्लास फॉर्म लॉगिन की। ठीक है, इस क्लास को हम यहाँ पे स्टाइल दे रहे हैं कौन सी, इसको मैथ्स विथ विथ दिया है 350x350 पिक्सल्स, पैडिंग दी है 40 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस दिया है 30 पिक्सल, बैकग्राउंड इसका ये दे दिया है, मार्जिन इसको जीरो और ऑटो कर दी है। उसके बाद में फिर फॉर्म लॉगिन में एक और क्लास है फॉर्म लॉगिन हेडिंग। आइए देखते हैं कि वो कहाँ पर है। फॉर्म लॉगिन है ये, और फॉर्म लॉगिन इसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो ये है फॉर्म लॉगिन हेडिंग। तो इसको हम यहाँ पे स्टाइल कर रहे हैं अपने स्टाइल लॉगिन डॉट सी एस एस में। इसको मैंने कलर ये दे रखा है और टेक्स्ट अलाइन इसका कर दिया मैंने सेंटर पे। उसके बाद में फिर फॉर्म लॉगिन और फॉर्म कंट्रोल, ये दो क्लासेस हैं। ये दो क्लासेस कहाँ पे हैं? लॉगिन डॉट पी एच पी में। अगर आप यहाँ पे लिख देंगे फॉर्म कंट्रोल, तो फॉर्म कंट्रोल इनपुट टैग में सारे में लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे, ये है हमारा क्लास फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं स्टाइल कहाँ पे? लॉगिन डॉट सी एस एस में। ये इसको मैंने पोजिशन दे दी रिलेटिव, हाइट दे दिया इसका ऑटो, बॉक्स साइज दे दिया ये, पैडिंग दे दी 10 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज दे दिया 16 पिक्सल्स। अब फिर उसके नीचे आ गए फॉर्म लॉगिन, एक ये भी क्लास है फॉर्म लॉगिन की। इसके अंदर एक है इनपुट का टैग, जिसका टाइप हो टेक्स्ट, उसके लिए क्या हो, जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है इसके लिए। ठीक है, इनपुट फॉर्म लॉगिन के अंदर, ठीक देखिएगा, ये है फॉर्म, फॉर्म लॉगिन क्लास। ठीक है, तो फॉर्म लॉगिन क्लास के इनपुट टैग में, फॉर्म लॉगिन क्लास के इनपुट टैग में, ये है इनपुट टैग। इनपुट टैग में बात किसकी हो रही है? जिसका टाइप हो टेक्स्ट, जिसका टाइप हो टेक्स्ट, उसके साथ क्या हो? उसके साथ ये हो, मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल, मार्जिन बॉटम राइट रेडियस 0 और मार्जिन बॉटम लेफ्ट रेडियस 0। ठीक है, फिर उसके बाद सेम चीज़ है फॉर्म लॉगिन में, जिसका इनपुट टाइप हो पासवर्ड, यहाँ पे बात हो रही है इस पासवर्ड की, इसके साथ क्या करना है? इसके साथ भी वही करना है, इसको हम 10 पिक्सल्स दे देते हैं और बाकी चीज़ें 0-0 कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं फॉरगेट पासवर्ड की, जिसका क्लास बना हुआ है फॉरगेट पासवर्ड, कहाँ पे है? लॉगिन डॉट पी एच पी में, फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, ये है हमारा क्लास, एक एच फोर पे बना हुआ है फॉरगेट पासवर्ड। इसको हमें स्टाइल करना है कहाँ पे? लॉगिन डॉट सी एस एस में। इसके लिए क्या करना है? टेक्स्ट अलाइन इसको सेंटर कर दिए, मार्जिन बॉटम से 0 और मार्जिन टॉप से 30 पिक्सल। ये सब कुछ करने के बाद में हमें क्या करना है कि हम अब अपने चलते हैं लॉगिन डॉट पी एच पी पे। यहाँ पे सारी चीज़ें लगभग कंप्लीट हैं। ठीक है, और आई थिंक आपके समझ में भी आ गया होगा। बाकी कोई दिक्कत है तो अगर आप हमारे मेंबर हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट वहाँ पे स्काइप की लिंक होगी, उस पर आके हमसे लाइव चैट कर सकते हैं, या फिर कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। व्हाट्सएप पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे जो असिस्टेंट होंगे, या अगर मैं हूँ तो मैं जवाब दूँगा, नहीं तो आपको जो भी अगर रिलेटिव इन्फॉर्मेशन वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। बाकी क्या है वह ये देखते हैं। यहाँ पर हम हैं लोकल होस्ट, ठीक है, और ईकॉम एडमिन एरिया। और यहाँ पे एडमिन एरिया में क्या है ना कि अब हमें डायरेक्ट एक्सेस करेंगे तो ले जाएगा वहीं पे, बाय द वे अभी उसको हम बाउंड कर देंगे वहाँ पे नहीं जाएगा, लेकिन अभी तो हमें जाना है लॉगिन डॉट पी एच पी का और इसको करना है टेस्ट। तो ये आ गया अपना लॉगिन डॉट पी एच पी, और देखिए सारी चीज़ें एज इक्वल काम कर रही हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये नहीं जाता है, ये देखिए है ना, तो कहता है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो ये सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, ये हमारा जो भी स्क्रिप्ट लिखी है परफेक्टली रन हो रही है। अब आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, राय के जो काम है उसको करते हैं। थैंक यू।